हेलो एंड वेलकम टू शोविक इज अवर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आज हम बात करेंगे प्रोटीन सड़ता कैसे, बिगड़ता कैसे, हाउ प्रोटीन इज फॉर्म। आई विल टॉक अबाउट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी वाया पेप्टाइड बॉन्ड एंड नॉन पेप्टाइड बॉन्ड्स। मतलब प्रोटीन बनता कैसे है, ये तो मैं पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड और नॉन पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डिसरप्शन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टरनरी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यू टू द सेपरेशन और क्लीवेज ऑफ नॉन पेप्टाइड बॉन्ड्स। नाउ इन द एंटायर डीनेचुरेशन प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग, पेप्टाइड बॉन्ड नेवर गेट्स डीनेचुरेट। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड कभी सड़ता नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ के बाकी जितने तरह का नॉन पेप्टाइड बॉन्ड वो सब खत्म हो जाते हैं। नाउ इन दिस लिस्ट यू कैन अंडरस्टैंड एजेंट्स that destroys the protein structures, there are physical agents and chemical agents. In the physical agents, you can see the heat, ultraviolet light, ultrasound, violent shaking, x-ray and high pressure. In the chemical, you can see organic solvents like ether, alcohol, then any acid, any strong acid, strong alkaline agents, then mercury, lead, then urea, any other detergents. जब protein का कोई structure बिखर जाता है या खराब हो जाता है तो इनमें इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल अपीयरेंस है, वो सब कुछ बदल जाता है। जैसे इसका स्वाद बदल जाता है, गंध मतलब या तो खुशबूदार हो सकता है या फिर बदबूदार हो सकता है। तो इनमें से एक बात आपको जानना पड़ेगा कि जब बिखर जाता है, बिखरा हुआ प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम आसानी से हजम कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट के सिंपल लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल जाता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे अंदर में एसिड है, एंजाइम्स है, वो सब आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे डाइजेशन में मदद करता है। नाउ इन दिस एंटायर डीनेचुरेशन प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म, वन इज कोआगुलम कोआगुलेशन प्रोसेस एंड फ्लोकुलम या फिर फ्लोकुलेशन प्रोसेस। व्हेन यू आर डीनेचुरेटिंग वन प्रोटीन स्ट्रक्चर इन आइसोलेट्रिक पीएच, देन दिस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन precipitates at maximum concentration, which is liquid appearance, that is called flocculum. When you further heat this flocculum, it becomes semi-solid structure with high viscosity. That is known as coagulum. The process is known as coagulation. Now, you need to understand this flocculation is actually reversible denaturation, but this coagulum is permanently damaged. It's irreversibly denaturation. See you next time. Bye.